बीजेपी की पहली सूची में महेश्वर सीट से राजकुमार मेव का नाम सामने आने के बाद विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। बात अब हाथापाई तक पहुंच चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के सामने और फिर बीजेपी पर्यवेक्षक के सामने राजकुमार मेव का विरोध किया। कार्यकर्ता बीजेपी की मीटिंग में ही लड़ पड़े। कार्यकर्ताओं ने दोबारा अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राजकुमार मेव की जगह किसी अन्य को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। वही मामला सामने आने के बाद खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि घर का मैटर है, परिवार में बातचीत करके इसे निपटा लेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने खरगोन जिले से दो प्रत्याशी घोषित किए हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ये जरूर रहता है कि टिकट मांगने वालों की संख्या भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी रहती है, थोड़ा सा मन मोटाव रहता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, संगठन के कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं और हमारे परिवार का मामला है। निश्चित तौर पर वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में के लिए प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराएंगे। जो विरोध कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? मुझे लगता है कि सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, सब विरोधाभास समाप्त हो जाएगा। हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, अनुशासन पे काम करने वाली पार्टी, इसलिए सभी चीज़ें हम खत्म कर देंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रभारी मंत्री कमल पटेल को कार्यकर्ताओं ने घेरा था। इसके साथ ही महेश्वर में पार्टी पर्यवेक्षक के सामने कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए राजकुमार मेव का पुतला भी फूंक दिया था और अब पार्टी की मंडल बैठक में कार्यकर्ताओं में जमकर झूमा झटकी भी हो गई। फिलहाल तो राजकुमार मेव का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि संगठन नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे मनाता है। खरगोन से उमेश रेवलिया की रिपोर्ट। एमपी तक।